नमस्ते एंड अ वेरी ग्रैंड वेलकम टू पद्मास किचन टेल्स एंड टू माय सेल्फी वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एक साउथ इंडियन डिश, एक साउथ इंडियन साइड डिश जिसका नाम है वेंडका वरवल, मतलब लेडीज फिंगर स्टर फ्राई या ओकरा स्टर फ्राई या भिंडी स्टर फ्राई। ये इतना सिंपल और इतना झटपट बनता है कि कोई भी बना सकता है, और आप इसे सांभर राइस, दाल चावल, कर्ड राइस, लेमन राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। भिंडी को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब मेरे पास यहाँ तेल गरम है, करीब एक डेढ़ टेबल स्पून तेल। इसमें हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनना है इसे। ये करीब मेरे पास 600 ग्राम भिंडी है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि बाहर से एक अच्छा सा कलर आ जाए भिंडी के ऊपर और ऑलमोस्ट हाफ कुक हो जाए। तो भिंडी भुन गई है हमारी, तो अच्छा सा इससे ब्राउनिश लुक आ गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो अब मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, करीब 1 टेबलस्पून तेल है। तो इसमें हम अब डालेंगे सरसों 1 छोटी चम्मच। इसमें नेक्स्ट जाएगी चना दाल 1 टीस्पून। अब जाएगी इसमें उड़द दाल। तो हम अब इसमें तड़का लगा रहे हैं अपने भिंडी में। मैं इसे उसी कढ़ाई में बना रही हूँ जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया था, तो इसे फ्राई होने देते हैं थोड़ा। अब डालेंगे हम रेड चिली, लाल मिर्च, इसके बाद डलेगा इसमें प्याज, एक मीडियम साइज प्याज कटा हुआ। आप एक्चुअली चाहे तो प्याज नहीं भी डाल सकते हैं, तो बिना प्याज का भी बहुत अच्छा बनता है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, करी लीव्स। तो प्याज भुन चुकी है, अब हम इसमें जो हमारी भिंडी है, फ्राइड भिंडी ओकरा, इसमें डाल देंगे। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, इतनी सिंपल डिश है ये। और जैसे मैंने कहा था कि ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिश है, और इसमें जो है इसको इट्स बेसिकली स्टर फ्राइड वेजिटेबल, स्टर फ्राई रेसिपी जिसको बोलते हैं। वेंडका वरवल मीन्स स्टर फ्राइड, वरवल मीन्स स्टर फ्राइड। इसमें आपने नोटिस किया कि मैंने हल्दी भी नहीं डाली है, तो इसका जो ब्राइट ग्रीन कलर है उसे हम मेंटेन करेंगे। और लास्ट में स्वादानुसार, आपके स्वाद के हिसाब से, नमक इसमें डाल लेंगे। और चूंकि हमने भिंडी को बहुत थिन स्लाइसेस में कट किया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, तो मैं इसको ढक के नहीं पकाने वाली हूँ। पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी छिड़क के इसको ढक करके भी पका सकते हैं। पर ये भिंडी ऑलरेडी पक गई है, मतलब जब हमने स्टर फ्राई किया था, रोस्ट किया था इसको आगे, तो ऑलरेडी भिंडी पक चुकी है। तो उसको बस और थोड़ा सा पकाना है, 5-10 मिनट में ये भिंडी तैयार हो जाएगी। कितना अच्छा दिख रहा है ये ब्राइट ग्रीन कलर, और ये बीच में रेड रेड चिली और हल्का हल्का प्याज इधर उधर। भिंडी पक गई है, हम इसे और नहीं पकाएंगे, हम इसे सर्व करेंगे। पर उसके पहले बहुत ज़रूरी चीज़, क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है, कसा हुआ नारियल लास्ट में बनता है, तो हम इसे कसा हुआ नारियल इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो हमने जो है ग्रेटेड कोकोनट इस पर मिक्स कर दिया है और इसे हम सर्व करेंगे।
तो जब हम कसा हुआ कोकोनट, द ग्रेटेड कोकोनट जब हम ऐड करते हैं तो उसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसे मिक्स करिए और अपने सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। साउथ इंडियन स्टाइल भिंडी फ्राई बिल्कुल रेडी है, पर हम इसे थोड़ा सा और कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट के साथ गार्निश करेंगे। और ये कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए कितना सारा कलर्स है इसमें। साउथ इंडियन स्टाइल ओकरा स्टर फ्राई या साउथ इंडियन स्टाइल भिंडी स्टर फ्राई बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो कोकोनट अवॉइड कर सकते हैं, आप नहीं डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं बोलती हूँ डालिए, क्योंकि ये खूब डिश को एक तो खूबसूरत, इतना खूबसूरत बनाता ही बनाता है, पर स्वाद में A1। इट्स टेस्टिंग टाइम, चलिए टेस्ट करते हैं कैसे बना ये, कितना सुंदर दिख रहा है। अब बहुत टेस्टी है, बहुत सिंपल है, बहुत हल्का फुल्का है, कोई भी खा सकता है, बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है इसमें। और सॉरी एक्चुअली कुत्ता भौंक रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक होम वीडियो है और मेरे घर के वहाँ आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं, एक्चुअली एक पेट डॉग है मेरे नेबर का, आई कांट हेल्प इट, दिन भर भौंकता है। पर आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज़, उस पे मत करिए। और ये आप ज़रूर बनिए, लंच पे खाइए, डिनर पे खाइए, बनाइए खाइए और खिलाइए। और मैं आपको मिलती हूँ एक ब्रांड न्यू रेसिपी के साथ जल्द ही। और प्लीज़ सजेशंस फीडबैक्स कमेंट्स भेजते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।